धर्मदास अमृतसर के एक प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप का मालिक था। उसकी पत्नी शीला का देहांत 2 वर्ष पहले कैंसर के कारण हुआ था। उन दोनों से एक 5 वर्ष की बेटी सौम्या थी। इधर शीला के मरने के बाद ज्वेलरी शॉप में काम करने वाली काम्या धर्मदास पर डोरे डालने लगी थी। काम्या बला की खूबसूरत हुस्न की मालिका थी। अपनी सेक्सी अदाओं से वो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। उसके कईयों से संबंध थे। आगे बढ़ने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। जल्द ही वो धर्मदास की पर्सनल सेक्रेटरी बन गई। काम्या, कल रात हमें सूरत जाना है। वहां परसों मेरी एक मीटिंग है अफ्रीका के डायमंड मर्चेंट के साथ। फ्लाइट की 2 टिकट बुक करो, होटल के कमरे बुक करवाओ। शायद 3 दिन तक हमें वहीं रहना होगा। जी सर, मैं अभी सब इंतजाम कर देती हूँ। धर्मदास काम्या के साथ दूसरे दिन करीब 10 बजे सूरत पहुँचता है। वहाँ एक शानदार होटल में 2 रूम बुक होते हैं। काम्या अपने कपड़े चेंज करके होटल के रेस्टोरेंट में धर्मदास से मिलती है। ब्लैक अर्धनग्न गाउन में उसका गोरा स्लिम बदन कमाल का सेक्सी लुक दे रहा था। काम्या, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। सिर्फ खूबसूरत या सेक्सी भी? दोनों। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी इस अदा पर बहक ना जाऊं। वैसे आप भी हैंडसम लग रहे हैं। मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं मैं ना बहक जाऊं। शीला के चले जाने के बाद मेरी जिंदगी फीकी हो गई थी, लेकिन जिस तरह से तुमने मेरी केयर की है, मुझे कभी उसकी कमी महसूस नहीं हुई। मैं आगे भी उनकी कमी को पूरा करने की कोशिश करूंगी सर। ठीक है काम्या, 12 बजने वाले हैं, अब हमें अपने रूम में चलना चाहिए। काम्या, आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं और मेरी बेटी सौम्या दोनों ही अकेले हैं। काम में इतना बिजी रहता हूँ कि उसे वक्त ही नहीं दे पाता। सर, मुझे भी सौम्या को देखकर दया आती है। वो बेचारी इतनी कम उम्र में बहुत कुछ मिस कर रही है। सूरत से लौटने के बाद ये सिलसिला प्रतिदिन का हो जाता है और 1 महीने के अंदर ही दोनों शादी कर लेते हैं। सौम्या बोर्डिंग स्कूल में चली जाती है। 1 साल के भीतर ही काम्या एक लड़के को जन्म देती है, जिसका नाम वो मंजीत रखते हैं। काम्या धीरे धीरे धर्मदास की सारी प्रॉपर्टी के 50% हिस्से की शेयर होल्डर बन जाती है। धर्मदास से ज्यादा पावर काम्या के हाथों में आ जाती है। 20 वर्ष बाद पूना से मैनेजमेंट करके सौम्या घर लौटती है और मंजीत बड़े घर का बिगड़ैल बेटा बन जाता है। आ गई बेटी। जी पापा, अभी ही आई हूँ। हमारी बेटी तो मिस इंडिया लग रही है। तुम लोग बातें करो, मैं शॉप पर होकर आता हूँ। ठीक है बेटी, तुम आराम करो, मैं शाम को मिलता हूँ तुमसे। ठीक है पापा। अच्छा सौम्या, ये बताओ कि तुम इतनी सुंदर और सेक्सी हो, कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं? क्या मम्मी, मैं वहाँ पढ़ने गई थी, कोई बॉयफ्रेंड बनाने थोड़ी ना गई थी। दोनों बात कर रहे थे तभी मंजीत अपनी कार से उतरकर घर के अंदर आता है। उसकी नजर सौम्या पर पड़ती है। करीब 10 वर्ष पहले सौम्या से बोर्डिंग स्कूल में ही मिला था वो। मंजीत उसे देखते ही मचल जाता है। बेटा, ये सौम्या है। काफी बड़े हो गए हो। तुम भी तो जवान हो गई हो। वो तो होगा ही, तुमसे 5 साल बड़ी जो हूँ। अच्छा भाई, शाम को जरा मार्केट चलना होगा, मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। ठीक है, मैं जरा नहा धोकर फ्रेश होकर आता हूँ तब तक। शाम को मंजीत सौम्या को कार के अगले सीट पर बिठाकर ड्राइविंग करते हुए मार्केट ले जाता है। मंजीत, ये कुछ ज्यादा मॉडर्न ड्रेस नहीं लग रही? अरे सौम्या, खूबसूरत बदन को ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं होती। और फिर ये तो नाइट ड्रेस है। नाइट में घर पर मेरे और पापा के सिवा रहता ही कौन है, और फिर हमसे क्या शर्माना। अच्छा, बड़े फिलोसोफर बन गए हो। ये ड्रेस तुम्हारी बीवी को पहनने के लिए दूंगी। मैं शादी वादी के बंधन में नहीं बनने वाला, मुझे मेरी आजादी पसंद है। अच्छा, तो जनाब शादी नहीं करेंगे? मुझे तो नहीं लगता। अभी मॉल में ही कई लड़कियों को ताड़ते हुए नोटिस किया है मैंने। लड़कियां ना मजे लेने के लिए होती हैं, और मैं एक फूल पर बैठने वाला भंवरा नहीं हूँ। बहुत बदमाश हो गए हो। मार्केटिंग हो गई हो तो घर चले। घर लौटने के बाद जब सौम्या अपना ड्रेस चेंज कर रही होती है, तो मंजीत वह सौम्या के सेक्सी फिगर को देखकर मतवाला हो जाता है। मंजीत अपनी गर्लफ्रेंड निशा को फोन करता है और अपने दोस्त सेंटी के होटल में उसे बुलाता है।
क्या बात है मंजीत, आज अचानक होटल में आ गए? कोई नई माल मिली है क्या? अरे नहीं यार, नई माल अब रही कहाँ अमृतसर में, वही पुरानी सदाबहार माल निशा आ रही है। अबे सुधर जा, शादी कर ले, कब तक इन तितलियों से खेलता रहेगा? मंजीत सिंह का शौक हर वो तितली को रौंदना है जो खूबसूरत हो, चाहे वो कोई भी हो। तू नहीं सुधरेगा, देख देख तेरी आइटम भी आ गई। हाय निशा। हाय, कैसे हो सैंटी? तुमने तो नीना से शादी कर ली, अब ये मुझसे कब करता है भगवान ही जाने। प्यार करने के लिए शादी की क्या जरूरत? सैंटी जरा रूम की चाबी देना। उधर रात 10 बजे खाना खाते समय घर पर। पापा ये मंजीत क्या कर रहा है आजकल? पता नहीं बेटी, पर मुझे उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। अरे मंजीत अभी बच्चा है, थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ घूमता है, अभी नहीं घूमेगा तो कब घूमेगा? नहीं मम्मी, मुझे उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लगते, मुझे लगता है कि मंजीत गलत संगत में पड़ गया है। देखो सौम्या, तुम बाहर रह कर आई हो, पता नहीं कितनों के साथ गुलछर्रे उड़ाए होंगे तुमने। मंजीत तो हमारे सामने ही पला बड़ा है और जवान मर्द है, कुछ ऐश मौज नहीं करेगा तो मर्द क्या कहलाएगा। काम्या, ये कौन सा तरीका है बेटा बात करने का? बेटी को बेटी जैसा ही रहना चाहिए, शादी हो जाएगी तो ये घर पराया हो जाएगा, उसे उसके नए घर के बारे में सोचना चाहिए। बस मम्मी, धन्यवाद मेरी सीमाओं को बताने के लिए। सौम्या अपने कमरे में जाकर सो जाती है। रात करीब 1 बजे मंजीत घर आता है। सौम्या के कमरे में जाकर देखता है कि सौम्या बेसुध सो रही है। सौम्या की नींद खुल जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मंजीत उसके मुंह पर हाथ रख अपनी मजबूत बाहों में सौम्या को जकड़ लेता है। सौम्या जोर से दांत से काटती है और चिल्लाती है। मंजीत हड़बड़ाकर उसे छोड़ देता है। सौम्या जोर से मंजीत को कई थप्पड़ जड़ देती है। हल्ला सुनकर धर्मदास भी वहां आ जाता है और बिना कुछ बताए वो सारा माजरा समझ जाता है। धर्मदास मंजीत को बहुत फटकार लगाता है और घर से बाहर निकल जाने को कहता है। तभी वहां काम्या आ जाती है। मंजीत क्यों निकलेगा घर से? घर से निकलेगी वो जो बाहर से आई है। काम्या, तुम्हारे लाड प्यार ने ही मंजीत को आज इस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया है, जो वो अपने इन गंदे विचारों के आगे अपना पराया भी भूल गया है। ये मत भूलिए कि आपकी प्रॉपर्टी में 50% के हिस्सेदार हम भी हैं। तो ठीक है, मैं कल ही वकील से बात करके तुम लोग का हिस्सा दिलवाता हूँ। अगले दिन धर्मदास अपने वकील को बुलाकर संपत्ति का बंटवारा कर देता है, साथ ही तलाक की अर्जी भी दे देता है। तलाक का नोटिस मिलते ही काम्या तिलमिला जाती है। अच्छा किया जो तूने तलाक की अर्जी दे दी, तुझ जैसे बुड्ढे के साथ रहेगा कौन? मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की तुमसे शादी करके, मैं तुम जैसे पैसे की लोभी को पहचान ही नहीं पाया। हाँ हूँ मैं लालची। आज तेरे पास है क्या बुढ़े? तुम्हारे बराबर की मेरी संपत्ति है और हाँ, तलाक में 25% हर्जाने की मांग भी करूँगी। अगले महीने दोनों का विधिवत तलाक हो जाता है। काम्या हर्जाने के रूप में एक मोटी रकम धर्मदास से वसूल करती है। धर्मदास अपनी बची प्रॉपर्टी को बेचकर सौम्या का विवाह सूरत के एक हीरा व्यवसायी के साथ कर देता है। अब धर्मदास 2 रूम के फ्लैट में रहता है और कभी उसके यहाँ मैनेजर रहे रूपपाल की दुकान में मैनेजर का काम करता है।